हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 मुकाबले के बारे में, जो कि रात के 11:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से खेला जाएगा। दोस्तों, टोटल 5 मैचेस होने हैं, मतलब 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है जो कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जाएगी। आज 26 जून को पहला मैच शुरू होगा। तो हम बात करेंगे किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना और किन प्लेयर के ऊपर ट्रेड करना, और किन को अवॉइड करोगे और आप किन को एक्सपेरिमेंट रखोगे जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और रिटर्न हासिल हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पहला मैच है, स्टार्टिंग मैच है। इसके बाद से जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे आपको आइडिया जो है मिलता जाएगा, लेकिन पहला मैच हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट में पिन किया मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे आप सबको पता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ अपडेट कुछ भी रहता है, जितने भी मैचेस होते हैं, लगभग जो जिन मैचेस के मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पाता, उनको मैं टेलीग्राम पे जरूर से कवर करने की कोशिश करता हूँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही कॉमेंट पिन किया मिल जाएगा। और अगर आपको कोई सुझाव है, सजेशन, क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट कुछ भी है तो कॉमेंट में आप पूछ सकते हो, वो सुझाव दे सकते हो। और उसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से सुन लो कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लेना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए जिससे कि आपको प्रॉफिट होता रहे, रिटर्न मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन भी दबा सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सारी चीज़ जो है फ्री है, किसी भी चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं लगता, सारी चीज़ें मैं फ्री में अवेलेबल कराता हूँ जिससे आपको प्रॉफिट हो, आपको नॉलेज मिले। ओके, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कहीं ना कहीं वीडियोस बनाने के लिए कंटिन्यूअसली। एक दिन में 8-8, 10-10 मैचेस के मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं आप सबके लिए वीडियोस कंटिन्यूअसली बना सकूँ। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले सुनो एक बात और, कि जो इंग्लैंड और श्रीलंका की मैच है उसमें हो सकता है कि मैं आज वीडियो ना दे पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग चुका होगा किन प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और ऑलरेडी आप ट्रेड भी कर चुके होंगे ज़्यादातर प्लेयर्स के ऊपर। तो अगर नहीं वीडियो दे पाऊंगा तो मैं टेलीग्राम पे उसको अपडेट कर दिया करता हूँ, जितने भी मैचेस होते हैं, चाहे वो वाइटिलिटी ब्लास्ट के हों, चाहे वो किसी भी सीरीज़ के हों। ठीक है, तो इस पर ज़रा सा आप लोग गौर कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम की किल्लत है, इसीलिए मैंने पहला मैच जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, उसको कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते जाओ। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, ठीक है, बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ जिस प्रकार से परफॉर्म करी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में 2 टेस्ट मैचेस में, तो साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं डोमिनेंस खुद को दिखाया, खुद का डोमिनेंस साबित किया। लेकिन आप सबको पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ शॉर्टर फॉर्मेट में किस प्रकार की टीम है, किस प्रकार के उनके प्लेयर्स हैं, वो टेस्ट मैचेस को भी T20 जैसा ही खेलते हैं। तो T20 को सोचो कि वो कैसा खेलेंगे, समझ रहो? तो ऐसा मत सोचना कि वेस्ट इंडीज़ धराशाही हो जाएगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में T20 मुकाबलों में, क्योंकि ज़बरदस्त फॉर्म में है प्लेयर्स, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग भी करते हैं T20 मुकाबलों में, चाहे वो 250 रन बनाने हो और आराम से बना सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी सारे प्लेयर्स के अंदर है। और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्लेयर्स जो हैं ऑलराउंडर भरे पड़े हैं दोनों ही टीम्स के, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो फटाफट देखो किन के ऊपर ट्रेड करना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मैं उनकी बात करूंगा, प्लेइंग इलेवन कुछ भी हो सकती है। मैं अपना एक प्रिडिक्टेड प्लेइंग इलेवन आपको बताता हूँ कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं और उनमें से कौन से प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आप सोचोगे ये प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। सिंपल है, 2 टीमें हैं, 2 से 4 प्लेयर्स के ऊपर मैक्सिमम ट्रेड करो, दबा के ट्रेड करो, उतने में बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब लॉजिक आपको समझ में आता होगा। मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाता हूँ फ्रेंड्स, डेली वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप डेली वीडियो उठा के देखोगे तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान आपको जरूर मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट वाली बातें जरूर मिलेंगी। पहला देखो, निकोलस पुरन 27 के प्राइस में आउट ऑफ स्टॉक देख रहे हैं, प्राइस काफ़ी लो है, प्लेयर काफ़ी दमदार है और नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, एज अ विकेट कीपर खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के साइड से, तो बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग दोनों के पॉइंट्स आपको देंगे ही देंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, हाँ, IPL में काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस रहा और प्राइस काफ़ी लो चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उभरने की कोशिश करेंगे और वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलने का दावेदारी पेश जरूर करेंगे। तो मैं अगर आपको सजेशन में बताऊं और आपको बोलूं तो आंख बंद करना और निकोलस पुरन के ऊपर मैक्सिमम ट्रेड ज़रूर से कर लेना। मैच के दौरान मुझे लग रहा है 26 तक मिल ही जाएंगे आपको, या फिर मैच के पहले भी 7 बजे से पहले तक आप लोग खरीद लेना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस है, लोग इनके ऊपर दबा के ट्रेड करेंगे। और नंबर 4 पे समझ सकते हो, काफ़ी स्वीट स्पॉट है,
आराम से बैटिंग करने को मिल जाएगी और विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट भरपूर देंगे, तो इनके ऊपर आप जरूर से ट्रेड कर लेना। अब देखते जाओ, ब्रेंडन किंग छोड़ दो, रोमन पॉवेल छोड़ दो, किमो पॉल छोड़ दो, सिमरन हेटमेयर मुश्किल लग रहा है मुझे खेलना, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ पहला मुकाबला अच्छे प्लेयर्स के ऊपर जाएगी, थोड़े से भरोसेमंद प्लेयर्स के ऊपर जाएगी। हो सकता है सिमरन हेटमेयर आपको प्लेइंग 11 में दिख जाए, अगर दिखते हैं और नंबर, तब आपको नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है आज खेलते हुए नज़र आएंगे। तो जैसा होगा आप एक बार से टेलीग्राम देख लेना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट में निकोलस पूरन के लेके चलो, क्योंकि इनका खेलना फिक्स है एज अ विकेट कीपर। देखते जाओ, अल्जारी जोसेफ छोड़ दो, क्रेग ब्रेथवेट छोड़ दो, फैबियन एलन छोड़ दो, ओसियन थॉमस छोड़ दो, फिडल एडवर्ड छोड़ दो, फ्लेचर छोड़ दो, सेल्डन कॉटरल, डैरन ब्रेवो। अब आप देखते जाओ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं बताते जा रहा हूँ। देखो क्रिस गेल, एविन लेविस, ठीक है, एविन लेविस तो एक साइड से आपको ओपन करते हुए नज़र आ ही जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि इनके साथ या तो क्रिस गेल खेलते हुए नज़र आ सकते हैं ओपन करते हुए, या फिर आपको नज़र आ सकते हैं लेंडन सिमंस, ध्यान रखो, ठीक है, लेंडन सिमंस या फिर एविन लेविस, दोनों एक साथ ओपन करेंगे, या फिर हो सकता है एविन लेविस या फिर क्रिस गेल, तो कोई भी ओपन कर सकता है इन दोनों में से, लेकिन जो खेलने के चांसेस है वो क्रिस गेल के 100% हो सकते हैं, एविन लेविस भी खेल सकते हैं और लेंडन सिमंस, तीनों के खेलने के चांसेस लगभग मैक्सिमम है। तो अब या तो लेंडन सिमंस नंबर 3 पे आएंगे या फिर क्रिस गेल, तो ये अलग सी बात है, चांसेस पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो लेंडन सिमंस 64 पे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 64 बहुत हाई प्राइस है, जिस प्रकार के प्लेयर्स हैं अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन एक मैच भी फ्लॉप होंगे तो आप समझ सकते हो डाउनफॉल काफ़ी तेज होगा। तो फिलहाल हम लेंडन सिमंस को ट्रेड में नहीं लेंगे, हमारा पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो अब मैं बताता हूँ ट्रेड में लेना किसको है। देखो एविन लेविस को 50 के आसपास आपको मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर जरूर से ट्रेड कर लेना, ₹50 इनके लिए ज़्यादा नहीं है फिलहाल के लिए, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो इनके ऊपर ट्रेड जरूर कर सकते हो, कंसिड्रेशन में फिलहाल रखता हूँ, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड जरूर करना, क्योंकि 50 से इनका जो ऑल टाइम हाई है वो 70-75 रुपये का है। आप सब जानते हो कि T20 मुकाबलों में एविन लेविस किस प्रकार की बैटिंग करते हैं। और बात करें यूनिवर्सल बॉस की, जिनको हम कहते हैं यूनिवर्स बॉस, उनकी बात करें तो देखो अगर 45-47 के आसपास मिलते हैं तो फिर भूलना मत, छोड़ना भी मत, इनके ऊपर दबा के ट्रेड करना अगर खेलते हैं तो। आप सब जानते हो कि क्रिस गेल किस प्रकार के बल्लेबाज हैं, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स बॉस भी खुद को बोलते हैं और इनको कहा भी जाता है, समझ रहे हो, तो छक्कों की झड़ी लगा सकते हैं भाई, तो इनको ट्रेड में लेना तो अति आवश्यक हो ही गया है, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बता दिए हैं, बाकी आप देखो ये प्लेयर जो हैं फैबियन एलन है, या फिर बात करें रोहन पॉवेल, या फिर आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, मैं कुछ और प्लेयर्स की बात बता दूँ तो कायरन पोलार्ड एज अ कैप्टन नज़र आ जाएंगे आपको 56 के प्राइस में। लेकिन देखो 56 की प्राइस भले है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चांसेस की बात है। देखो एज अ कैप्टन आप सबको पता है कि कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कायरन पोलार्ड खेलते हैं, आप सबने देखा भी होगा मुंबई इंडियंस के साइड से खेलते हुए कि खुद को टाइम देते हैं, ऐसे सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों प्रोवाइड कराना होता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देना पड़े। तो हो सकता है अगर एंड्रे रसल खेलते हैं तो कायरन पोलार्ड के ऊपर भी एंड्रे रसल खेलते हुए नज़र आपको आ सकते हैं, या फिर ड्वेन ब्रैवो भी आपको कायरन पोलार्ड के ऊपर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, अगर तेज तर्रार रन्स बनाने पड़ेंगे तो हो सकता है खुद को कायरन पोलार्ड प्रमोट भी कर लें, लेकिन अगर 56 की बात करो तो आज मुझे लग रहा है 52 का अराउंड में मिल जाएंगे मैच के दौरान आपको, या 51 का अराउंड में, तो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो किस लेवल के प्लेयर हैं, बॉलिंग भी कराएंगे और बैटिंग भी, तो दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है कायरन पोलार्ड के साइड से। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करो जिनको हर मैच में चांसेस भरपूर मिले। अब मान के चलो कायरन पोलार्ड की बात है, देखते जाओ टॉप ऑर्डर अच्छा चल देता है, 4-5 नंबर के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है पोलार्ड को बैटिंग नहीं मिलेगी। बात करें बॉलिंग की तो आप जान ही रहे हो वेस्ट इंडीज़ की टीम में बॉलर्स हैं पूरे भरे पड़े, बैटर भी पूरे भरे पड़े, तो हो सकता है कि कायरन पोलार्ड एक से दो ही ओवर कराते हुए नज़र आए, और जो बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के वो भी कम नहीं है, इनके ओवर्स को आसानी से खेल भी सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा पैसा भी कहीं ना कहीं ₹50-56 ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि क्रिस गेल हो गए, एविन लेविस हो गए, इन दो प्लेयर्स के ऊपर आप ट्रेड करो, और निकोलस पूरन के ऊपर तो आप दबा के ट्रेड करो, ठीक है। फिर सिमरन हेटमेयर खेलने के चांसेस मैंने बता दिया नहीं है लगभग, और आंद्रे रसल अगर खेलते हैं देखो 53, वही बात मैं बता रहा हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आंद्रे रसल और कायरन पोलार्ड और एक प्लेयर कहाँ चले गए हमारे ड्वेन ब्रैवो,
हाँ, अगर ये तीनों एक साथ खेलते हैं तो काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग सा, कि लगभग सारे प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। ठीक है, अगर मान लो एंड्रे रसल, ड्वेन ब्रैवो, काइरन पोलार्ड और जेसन होल्डर, अब ये सोचो चारों एक साथ खेलते हैं, चारों के चारों ऑलराउंडर, फिर आप किसके ऊपर ट्रेड करोगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी ऑलराउंडर, मतलब जो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर होगा, जिसमें एंड्रे रसल होंगे, काइरन पोलार्ड होंगे, जेसन होल्डर हो सकते हैं, ड्वेन ब्रैवो, ये चारों मान के चलो एक हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, इस मिडिल ऑर्डर में से किन्हीं एक ही प्लेयर के ऊपर ट्रेड करना है जिसको चांसेस ज़्यादा मिले। अब इसके लिए प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम मेरा देखना पड़ेगा, अपडेट वहाँ पे मैं दूंगा आपको कि किस प्रकार से किस प्लेयर के ऊपर क्या लॉजिक है ट्रेड करने का। फिलहाल वीडियो में देखो मैं लॉजिक बता देता हूँ, टेलीग्राम पर लॉजिक बताने का कोई भी चांस नहीं होता, कोई भी समय नहीं होता, मतलब भी नहीं होता। इसीलिए अभी मैं बता रहा हूँ कि इन जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनके ऊपर ट्रेड आपको किसी एक ही प्लेयर के ऊपर करना है, क्योंकि देखो एविन लेविस, क्रिस गेल, मान के चलो अगर ओपन करते हैं तो लैंडन सिमंस नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आपको देखते जो कीपर हैं वो खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, निकोलस पूरन। अब नंबर 5 से लेकर और जितने भी नीचे के ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनमें से किसी एक ही प्लेयर के ऊपर आप ट्रेड करोगे, आइदर काइरन पोलार्ड के ऊपर कर लो या फिर आंद्रे रसल। ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि आप काइरन पोलार्ड और साथ ही साथ आंद्रे रसल, इन दोनों के ऊपर ट्रेड डिवाइड कर सकते हो, इतना कर सकते हो। मतलब ये कि अगर आप जो पैसा 10 शेयर खरीदने वाले थे कायरन पोलार्ड के, अब क्या करोगे, 5 शेयर कायरन पोलार्ड के और 5 आंद्रे रसल के आप बाई कर लोगे। इससे क्या होगा कि जो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्स होगा, तो अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है या फिर किसी भी दिन किसी को भी चांसेस मिलता, आप सबको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर किस प्रकार के बैट्समैन हैं भाई, अगर 10 बॉल्स भी मिल जाते हैं तो वो 30-40 रन आराम से मार सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और 30 से 40 रन T20 में बनाना आप समझ सकते हो, आराम से 6 से 7 रुपया इंक्रीज कर देगा, 8 रुपया भी इंक्रीज कर सकता है, बॉलिंग भी कराएंगे तो वहाँ से भी चांसेस मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप डाइवर्स करोगे, वहाँ पे आप डिवाइड करोगे, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैं बॉलर्स की बात करूँ तो आपको फैबियन एलन हो गया या फिर फिडेल एडवर्ड्स हो गए, आपको सेल्डन कॉटरल, ये सब खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, बट मुझे पता है कि कोई भी प्लेयर, कोई भी यूज़र जो हमारा वो बॉलर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। फिलहाल हम ऐसे प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे जो जिनको चांसेस मिलते हो, जो हमको प्राइस में इंक्रीमेंट दे सकते हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज करो, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा क्योंकि आप देख सकते हो प्लेयर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कट चीज़ें बता रहा हूँ, और एक बार प्लेइंग 11 आएगी उसके बाद से और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, निकोलस पूरन आँख बंद करके ट्रेड करना पड़ेगा, खेलते हैं तो, नहीं खेलते तो आपको बाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वाड में है, तो अगर मान लो नहीं भी खेलते हैं तो भी आप 4 मैचेस तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, तो वहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। निकोलस पूरन को ले लेना, देखते जाओ फटाफट। क्रिस गेल वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ एक मिनट, क्रिस गेल 2 प्लेयर्स हो गए, एविन लेविस 3 प्लेयर हो गए, आंद्रे रसल और कायरन पोलार्ड, ये 4 प्लेयर आपके कंप्लीट मैंने बता दिए, ठीक है, 4, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर्स हो गए। आंद्रे रसल और काइरन पोलार्ड जो हैं, इन दोनों में आप डिवाइड भी कर सकते हो या फिर इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये 5ों प्लेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे वहाँ पे आप डाइवर्सिफाई कर लिया करो, मान के चलो 3 प्लेयर्स हैं तो आप 3ों प्लेयर में वो शेयर्स जो हैं आप डिवाइड कर लिया करो। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा और ये वेस्ट इंडीज़ की टीम का एनालिसिस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा का पूरा लॉजिक भी बता दिया कि किस प्रकार से हम ट्रेड करेंगे, क्या हमारा जो है माइंड सेट होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, देखते जाओ, इनकी भी लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है और मैं आपको बताता चल रहा हूँ पहले से ओपन कौन करेगा। और देखो क्विंटन डिकॉक फिक्स है, ओपन करने वाला है T20 में, और 57 की प्राइस है, 55 तक जहाँ तक मुझे लग रहा है नज़र आ जाएंगे, तो आप कंसीडर कर सकते हो। सीधा सीधा बात है, क्विंटन डिकॉक को कंसीडर कर सकते हो अगर 50 के आसपास मिलते या फिर 45 तक मिलते हैं, जैसा कि IPL में ये 45 में मिल रहे थे, तो मैं बोलता कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 55-52 पे भी मिल रहे हैं, 52 का राउंड भी मिल रहे हैं, तो कंसिडरेशन में रख सकते हो, क्योंकि इस प्लेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो 80 के आसपास है, तो आप समझ सकते हो कि बंदा कितना तेज तर्रार है। आप सब जानते भी हो, मुंबई इंडियंस के साइड से बैटिंग करते हुए नज़र आपको आते हैं और आप जानते हो कि क्विंटन डिकॉक के पास कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। इनके साथ आपको एडन मार्करम या फिर आपको रिजा हेंड्रिक्स, ये 2 प्लेयर्स में से कोई एक ओपन करता हुआ नज़र आ सकता है, कोई एक ही खेलेगा इन दोनों में से और वही ओपन करता हुआ भी नज़र आएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है चांसेस मिलने चाहिए रिजा हेंड्रिक्स को ही, एडन मार्करम को फिलहाल हम छोड़ते हैं। और अगर रिजा हेंड्रिक्स की बात करें तो देखो रिजा हेंड्रिक्स लिस्ट में है भी नहीं शायद से, तो
हम क्या करेंगे कि एडन मार्करम को ही फिलहाल लेके चलते हैं, क्योंकि जो हमारे लिस्ट में, अब मैं बात करूँ एडन मार्करम की, तो देखो प्राइस 60 रुपीज़ के आसपास है, 55 तक आएंगे, तो मैं कहूँगा छोड़ दो, प्राइस मुझे ज़्यादा लग रही है, मुझे ज़्यादा लग रही है। आप अपना देख सकते हो कि आपके पास कैपिटल कितना, आपका ट्रस्ट प्लेयर के ऊपर कितना है, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। मैंने हमेशा बोला है कि आपका ट्रस्ट ही आपको विजेता बनाता है, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट, आपको विजेता और आपको एक लूज़र बनाता है, समझ रहे हो। यही दो चीज़ें हैं, आपका लॉस भी वही कराएगा, आपका प्रॉफिट भी वही कराएगा। आपका ट्रस्ट जिस प्लेयर के ऊपर है उसके ऊपर ज़रूर से ट्रेड करो, मैं यही करता हूँ। मुझे जिस प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट होता है मैं उसके ऊपर आँख बंद करके ट्रेड करता हूँ। प्रॉफिट लॉस जो भी आता है उससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है, मुझे खुशी रहती है, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, अगर आप ट्रस्ट वाले प्लेयर पर नहीं करोगे तो बाद में खुद दुखी हो जाओगे, यार मैंने इसके ऊपर ट्रेड क्यों किया, किसी के कहने पर ट्रेड क्यों किया। तो मैं फटाफट बताऊँ तो क्विंटन डिकॉक को आप कंसिडरेशन में रख लेना, ठीक है। नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे जो कैप्टन है हमारे, वो हैं टेम्बा बवुआ, ठीक है। ये आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे और 45-42 के अराउंड में मिल जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। आप सब जानते हो स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है प्लेयर के अंदर, तेज तर्रार भले पारी ना खेल पाए लेकिन इतना जानो स्टेबिलिटी है। नंबर 3 एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे आपको स्लो खेलना होता है, इनिंग को बिल्ड करनी पड़ती है, उसके बाद एट द लास्ट मोमेंट आपको अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैप्टन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टीम की, और अच्छे प्लेयर भी हैं, आप सबको पता होगा। अगर 40 के आसपास, मतलब 42-41 ये आसपास होता है, इसके अराउंड मिलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा। शायद से मैं इनके ऊपर ज़रूर से ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि इनके ऊपर भी मेरा ट्रस्ट कहीं ना कहीं है। मैंने इनको लगभग मजांसी सुपर लीग हुई या फिर साउथ अफ्रीका के लिए हुआ, सबके लिए खेलते हुए मैंने देखा है, अच्छे प्लेयर हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, लॉन्ग इनिंग जरूर खेल सकते हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा कमी नज़र आ सकती है, बट ऐसा नहीं है, प्राइस आपको मूवमेंट कराना है, चाहे वो स्ट्राइक रेट से मूवमेंट से हो या फिर आपके रन से मूवमेंट से हो, ठीक है। सिंपल टेम्बा बवुआ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कौन, ये देखो डसन, डसन आपको नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। प्राइस 57 हाई लग रही है, लेकिन बहुत गजब के बैट्समैन है, जान जाओ ODI और T20 में एक नंबर के बैट्समैन है। मज़ा आ जाता है बैटिंग देखते हुए, मतलब जो बैट का स्विंग होता है इनका भी स्विंग काफ़ी फ्लॉलेस होता है, मज़ा आता है देखने में। अगर आप देखोगे इनकी जो पावर हिटिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब गेंदे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बाउंड्री के बाहर भेजते हैं, लेकिन जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा तो ज़्यादा है। तो फिलहाल इनके ऊपर आप चाहो तो कंसीडर करोगे, क्योंकि 55 के अराउंड में मिलेंगे, मैं बोलूँगा कि छोड़ दो, क्योंकि देखो नंबर 4 पे बैटिंग है, बैटिंग तो आ ही जाएगी ये तो गारंटी है, बट प्राइस ज़्यादा, एक दो मैचेस वेट करोगे, अगर एक मैचेस भी वेट करोगे तो हो सकता है प्राइस डाउन जाए, तो वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। और मैं बताऊँ तो देखो इंटरनेशनल के अलावा कहीं और खेलते हुए नज़र आपको नहीं आएंगे, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अगर किसी और लीग्स वगैरह में खेलते हुए नज़र आते तो हम इनके ऊपर ट्रेड ज़रूर से कर लेते, फिलहाल मैं इनको छोड़ूंगा, ओके। चलो मैं आगे बताता हूँ कौन सा प्लेयर आगे आ सकता है। तो हेनरिक क्लासेन आपको आगे खेलते हुए नज़र आ सकते हैं नंबर 5 पे, ठीक है। नंबर 5 पे या तो हेनरिक क्लासेन आ सकते हैं या फिर डेविड मिलर आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो अगर मैं बताऊँ तो देखो हेनरिक क्लासेन, जस्ट अ मिनट, हेनरी क्लासन और डेविड मिलर, तो देखो चांसेस जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार की टीम की सिचुएशन है। अगर टीम देखो बैटिंग सेकेंड कर रही है, जहाँ पे चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, काफ़ी आराम से रन बन जा रहा है, तो वहाँ हेनरी क्लासन को ओपन सॉरी हेनरी क्लासन को डेविड मिलर के पहले भेजा जाएगा। लेकिन टीम अगर पहले बैटिंग करे, जहाँ पे तेज गति की रन रेट चाहिए, तो डेविड मिलर डेफिनेटली इनके ऊपर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और हेनरी क्लासन भी काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप सबको पता है, ये भी अच्छा खेल सकते हैं। प्राइस के हिसाब से देखो इनको भी ट्रेड किया जा सकता है, कंसिडरेशन में मैं रख सकता हूँ, लेकिन लेकिन चांसेस की बात करें तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करना, आपको इनके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करेगा तो आउट ऑफ स्टॉक होने के भी चांसेस नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो आप देखते रहना, अगर आपको लगे तो ट्रेड भी कर लेना। फिलहाल मैं बोलूँगा क्लासेन को छोड़ दो, कोई इनके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, चांसेस भी कम है और प्लेयर उतने खास नहीं है। मैं अगर बोलूँ तो ट्रस्ट वर्दी टाइप के प्लेयर नहीं है, जिनको भी ट्रस्ट किया आप एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो, कैपिटल है 5-10 शेयर बाय कर सकते हो। आगे देखते जाओ एंडिलो फेलिकॉय, ये खेलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन प्राइस भी कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखते जाओ। सबसे पहले बैटिंग से इनके तरफ से नेग्लिजिबल मानो, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम ही होगा बैटिंग से, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग आ भी जाए तो 10-15 बॉल्स मिलेंगे और इतना कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है।
वो बहुत रेयर का केसेस है जहाँ पे 10-15 बॉल्स में 20-25 रन इन्होंने 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से, 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना दी, वो अलग बात है। एक मैच से कुछ भी बिगड़ेगा बनेगा नहीं, लेकिन बॉलिंग से मैं इनके ऊपर थोड़ा सा उम्मीद इसलिए रखता हूँ कि जब स्ट्राइकर बॉलर्स फेल होते हैं तो पार्ट टाइम बॉलर विकेट ज़रूर निकालते हैं, और अगर ऐसे सिचुएशन में 1 से 2 विकेट्स निकाल लेते हैं तो थोड़े बहुत जो है प्राइसेज इनके इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 39 मुझे अभी भी सूटेबल नहीं लग रहा, हालांकि आप सबके लिए मैं कंसिडरेशन में रख देता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर फोर्ट्रीन खेल रहे हैं तो देखो 45 का राउंड में, 42 का राउंड में मिल जाएंगे आपको, या तो फोर्ट्रीन या तो एंडिलो फलिकवायो, इन दोनों से कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि देखो दोनों ही ऑलराउंडर हैं और दोनों एक साथ खेल नहीं सकते, सिंपल सी बात है। या फिर ये भी हो सकता है कि जॉर्ज लिंडे या फिर फोर्ट्रीन में से कोई एक को खिलाया जाए और एंडिलो फलिकवायो को खिलाया ही जाए, समझ रहे हो। तो एक बार तो प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और जो जिनके खेलने के चांसेस 100% के करीब हैं, मैं उनके ऊपर आपको बताते ना कि ट्रेड करना है। बाकी जिन प्लेयर जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर डिस्कस करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग आप मुझे पता है कि आप बाई करोगे नहीं। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एंडिलो फलिकवायो मैंने बता दिया खेलेंगे तो आप कंसिडर कर लेना, और मैंने बता दिया कि किन सिचुएशन में ये ट्रेड के लायक है, किन सिचुएशन में आप इनको ड्रॉप कर दोगे। हालांकि प्राइस देख के लोग हो सकता है ट्रेड कर रहे हैं, बट मैं आपको मैंने बता दिया कि चांसेस कम मिलेंगे बैटिंग से, और बॉलिंग से ही आप उम्मीदें रख सकते हो। बाकी अब देखो देखते जाओ, कोई भी प्लेयर मैंने बता दिया कि नहीं है ट्रेड के लायक, तबरेज़ शम्सी खेलते देख खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, बट आप बताओ कितने लोग इनके ऊपर ट्रेड करोगे। डेविड मिलर की अगर बात करें 53, कितने लोग ट्रेड करोगे आप बताओ। 53 50 रुपये के आसपास मिल जाएंगे आपको डेविड मिलर। तो मैं बता रहा हूँ कि चांसेस जो है अप डाउन के डेविड मिलर के बैटिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो, अगर टीम बैटिंग सेकेंड करेगी तो हेनरिक क्लासेन को ऊपर भेज दिया जाएगा, और टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करी तो हो सकता है डेविड मिलर को ऊपर चांसेस मिल जाए। तो डेविड मिलर के साथ हमेशा एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि कहीं भी किसी भी टीम में खेलते हैं तो इनका जो पोजीशन होता है फिक्स नहीं होता, काफ़ी हाई हिटिंग प्लेयर है, हार्ड हिटिंग प्लेयर है, तो इसीलिए थोड़ा सा इनके साथ दिक्कत है। हालांकि देखना मैच के बाद, सॉरी मैच के दौरान मैं बताऊंगा, मैच के पहले बताऊंगा प्लेइंग 11 देख के कि आपके इनके ऊपर ट्रेड करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं जो लॉजिक है वो हमेशा आपको वीडियो में ही बता पाऊंगा, टेलीग्राम पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक प्लेयर का इतने बड़े मैसेज में लॉजिक समझाऊँ कि कब बाई करना कब नहीं करना। इसलिए वीडियोज़ हमेशा देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम्पल मैंने बता दे रहा हूँ कि क्यों वीडियोज़ देखने ज़रूरी हैं। जॉस बटलर के बारे में मैंने आप सबको बताया था वीडियो में कि जॉस बटलर अगर इंग्लिश पिचेस पे ओपन करते हैं या फिर किसी भी पिचेस पे ओपन करते हैं तो वो काफ़ी आक्रामक बैट्समैन हो जाते हैं, काफ़ी धुआंधार प्लेयर हो जाते हैं। और देखो एक ही मैच उन्होंने खेला, प्रॉफिट 10 के आसपास दे ही दिया था, तो वहाँ से आप सेल करके एग्जिट किए होगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। तो इसीलिए वीडियोस देखोगे तो लॉजिक ज़रूर समझोगे, टेलीग्राम पे से कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो वीडियोज़ ज़रूर देखा करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, प्लेयर्स समझ में आ गए। मैं एक बार से देख ले रहा हूँ कि कोई प्लेयर छूट नहीं रहा, जैसे देखो एनरिक नोकिया आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन अब कौन इनके ऊपर ट्रेड करेगा बताओ, कोई नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, जॉर्ज लिंड अगर खेलते हुए नजर आएंगे तो कौन इनके ऊपर ट्रेड करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जो अच्छे प्लेयर है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो सस्ते दाम में, जो जबरदस्त डील जिनको बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट और बेस्ट डील बोलते हैं ना हम उनको, ऐसे बोले अगर बेस्ट डील, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि किन के ऊपर आप ट्रेड करोगे दोनों ही टीमों के साइड से। और एक बात, पहला मैच है, थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, सबको दिक्कत होगी प्लेइंग 11 और इन सब चीज़ों को लेकर, पिचेस को लेकर, ग्राउंड वर्क को लेकर, लेकिन एक एक दो मैच होंगे फिर आपका जो है डाउट जो है साथ ही साथ क्लियर भी होता चला जाएगा, आप भी खुद भी समझदार हो जाओगे इन प्लेयर्स को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में मैंने दोनों को कवर कर दिया, दोनों टीमों को समझा भी दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और अगर अभी तक आप केवल वीडियोस देख रहे हो और दूसरे का पोर्टफोलियो देख रहे हो, दूसरे का प्रॉफिट लॉस देख रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी आपको अपना प्रॉफिट और अपना लॉस समझ में आएगा। और जब 2-4-10 मैचेस ट्रेड करोगे, 1-2 महीने तक ट्रेड करोगे, तो फिर धीरे धीरे आपका जो है नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा, अगर वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते हो तो, समझते हो तो, आपका जो अपना माइंडसेट है वो भी डेवलप हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी तक शुरुआत नहीं की हो तो डाउनलोड करने का जो लिंक है सिक्सर एप्लीकेशन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। रिफरल यूज़ करोगे तो आपको एक फ्री स्टॉक भी मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप अपना जो है ट्रेडिंग जर्नी सिक्सर एप्लीकेशन पे शुरू कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मर्जी हो तो आप डाउनलोड करके ट्रेड शुरू कर सकते हो, नहीं मर्जी हो तो वीडियोस देखकर ही काम चला सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।